को गांधी आश्रम स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस की जिला किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मौलाना अफाक अनवर सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता कर किसान की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सूबे सहित अररिया जिले में भी किसानों की खस्ता हाल हो गई है, मजबूरी में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अररिया जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है, यहाँ हर साल किसानों को विभिन्न प्रकार के परेशानियों से गुजरना पड़ता है, बाढ़ और सुखाड़ की मार झेलती है। साथ ही मुजफ्फरपुर में हुई बच्चों की मौत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रति सरकार को संवेदनहीन बताया। इस अवसर पर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष शंकर प्रसाद शाह, महिला जिला अध्यक्ष सुशीला शाह, मनु मानव, मोहम्मद गालिब, मोहम्मद अली मुद्दीन, अब्दुल मन्नान अंसारी, असर सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। किन मुद्दों पर रखी गई, क्या उनकी मांग है? देखिए, आज हमारे जो बैठक का मसला है, दरअसल ये है कि चाहे बिहार सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसानों के सम्मान में जो योजना जारी किए थे वो किसानों के सम्मान नहीं है, वो उसमें उसका अपमान है। और हमारा जो इलाका है ये सैलाब झड़ा इलाका है, जहाँ पर सैलाब अक्सर आता है, जिसकी वजह से खेती खलिहान तबाह बर्बाद हो जाती है। और यहाँ जितने भी किसान भाई हैं, उनको जो मदद मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, वो मदद नहीं मिलती है। गर्चे वो मदद करती हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर वो ब्लॉक ही तक रह जाती है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से राशन तकसीम होते हैं डीलर के ज़रिए से पंचायत के अंदर, गांव के अंदर और जो है वार्ड तक, ऐसे ही किसानों को भी मदद मिलनी चाहिए, ताकि उनका सारा समस्या हल हो। और इसी तरीके से हमारे यहाँ अगर खेती किसी तरीके से बच जाती है, तो समझिए धूप इतनी तेज होती है कि खेतियाँ जल जाती है। तो ऐसे वक्त में बेचारे किसान क्या करेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से जो बीज का मामला है, खाद का मामला है, यूरिया का मामला है या सब्सिडी का मामला है, तो इस तरीके से जो स्कीम है गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल किसानों को नहीं मिलती है। तो हम यहाँ से ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हमारी ये बैठक जो है गोया के एक चेतावनी है, या ये कह लीजिए कि एक आगाज़ है, कि हम यहाँ अररिया ज़िला में किसानों के हक के लिए और उनको हक दिलाने के लिए हम जहाँ तक हमको जाना पड़े, सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक, तो हम जाने के लिए तैयार, मगर हम अररिया ज़िला में किसानों के हक को दिला के रहेंगे। मेरा नाम मौलाना अफाक अनवर सिद्दीकी, कांग्रेस कमेटी किसान से अध्यक्ष जिला रहे। मैं उन बच्चे के बारे में बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे अभी बीमारी के कारण मर रहे हैं, और उसकी माँ बहुत मतलब निसाय हो रही है, रोती है, पीटती है। हर घर की अभी मतलब दुख भरी कहानी है वहाँ जो देखने के लिए। मैं हर माँ से कहूँगी कि अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और उसको पानी मतलब कि छानकर जो मतलब कि पिलाया जाए, और उस पर निगरानी, धूप में निकलने नहीं दें। अपने बच्चे पर बहुत सारा देखभाल की ज़रूरी है, अपने माओं को अपना बच्चा पर ध्यान देना चाहिए, और बीमारी से बचने की जितना हो सके परहेज कर सकते हैं। बच्चे की जो मृत्यु हुई है, हम लोग बहुत कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है। अपना नाम सुशीला साहब, कमर जी, जिला अध्यक्ष महिला से। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, सर इसमें क्या बताना चाहेंगे? जो भी बात रखी आज जिला कांग्रेस, जिला किसान कांग्रेस के द्वारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। मौलाना अफाक साहब जिला कांग्रेस किसान के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और उनके द्वारा आज का एक कार्यक्रम रखा गया है किसानों की समस्याओं के लेकर। आप स्वयं जानते हैं कि अररिया जिला के किसान कितने पीड़ित हैं, भगवान भरोसे इनकी खेती होती है। जब वो खेती करते हैं, फसल काटने की बात आती है, तो कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी सुखाड़ आ जाती है। इन सब समस्याओं का कैसे समाधान हो, इसको लेकर किसान कांग्रेस उग्र आंदोलन करने की विचार कर रही है। साथ ही आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन भी है, इस अवसर पर भी इनके द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। हम लोग उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। कांग्रेस के लोग उनका जन्मदिन समारोह पूर्वक इसलिए नहीं मना रहे हैं कि हमारे बिहार में सैकड़ों बच्चे और किसान और जवान सब, कोई लू से मर रहा है, कोई इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क रोग की बीमारी से मर रहा है। इन सब कारणों से हम लोग राहुल जी का जन्मदिन समारोह पूर्वक नहीं मना रहे हैं। आज के दिन हम लोग वृक्षारोपण करके उनका जन्मदिन मनाएंगे,
हम इस आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौलाना फाक साहब को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने किसान कांग्रेस की बातों को रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपना नाम बताएं। अनिल कुमार सिन्हा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस। घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपनी सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आज ही शहर में पहली बार पहचान सीमेंट आर्टिकल लेकर आया है इंटरलॉगिंग टाइल, प्रकाश बाउंड्री वॉल और चेकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है पहचान सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर, फॉरबिसगंज रोड डोरिया सोनापुर अरेरिया। प्रकाश बाउंड्री वॉल, इंटरलॉगिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदनकटी अरेरिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर, NH 57 से पूरब। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स जिसका पता है 8B चौक अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जेवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।